YouTube फैमिली किवे हो सारे, आई थिंक तुसी सारे वधिया होगे अपने अपने घरां च। तो गाइस जैसा कि आपने थंबनेल देखा, थंबनेल देख के आपको पता ही लगा होगा कि आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके सामने टेंट। और ये जो टेंट है इसकी उत्पत्ति कहाँ से, इसकी उत्पत्ति हुई है मरियम परवेज जी से। जी हाँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ, जब बोर होती हूँ तो यूट्यूब स्क्रॉल करने लगती, लाइक यूट्यूब फेसबुक कुछ ऐसा ही। तो एक दिन मैं जनरली यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा टेंट पे वीडियो काफी ज्यादा आ रही थी, तो मैंने उनको खोल के देखा, मैंने देखा कि इसका ओरिजिनल फॉर्म कहाँ से है। तो मैंने देखा जो उनका ओरिजिनल फॉर्म है वो बनाया है मिस मरियम परवेज जी ने। तो उनका जो मतलब लाइक इतना अच्छा लगा मुझे वे बनाने का, और सच है क्यूटी वो मुझे काफी अच्छी लगी, मुझे उनका बोलने का तरीका सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये टेंट जो है वो मैं भी बनाती हूँ। और गाइस बोलते हैं ना कि जब भी हमें कोई अच्छी चीज मिलती है उसे हमें शेयर करना चाहिए, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, काफी जेन्युइन लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना कि यही जो चीज है वो मैं अपने सब्सक्राइबर से शेयर करूं, बिकॉज यू ऑल आर माय फैमिली। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए और बनाते हैं ये अपना ब्यूटीफुल सा टेंट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टेंट बनाना। और टेंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एलोवेरा जेल। गाइस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा जेल हमें ये जो मार्केट वाला ये चाहिए होगा, क्योंकि जो रियल है वो नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं, तो जो आपका टेंट है वो बहुत ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं जो हूँ 1 टेबल स्पून ले लेती हूँ एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल को आपने मिलाओ। तो ये आपने अच्छे से इसको मिलाना है। तो गाइज आपने इसको बहुत अच्छे से मिला लेना है, जिससे कि जो इसका फॉर्म है वो बिल्कुल कुछ इस तरीके का आ जाए। और उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है कोई भी फेशियल ऑयल, और मैं यहाँ पे अपने फेस पे ऑलिव ऑयल भी यूज करती हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी फेशियल ऑयल हो तो आप वो यूज कर सकते हैं। और फेशियल ऑयल अगर आपकी ड्राई स्किन है तो काफी अच्छी बात है, कि अगर आपको पैचेस वगैरह आते हैं तो वो चीज भी रिमूव करेगा और आपकी जो नरिशमेंट भी आपको देने का काम करेगा। तो यहाँ पे आपने ये सिर्फ लेना है, बहुत ध्यान से लीजिएगा। थ्री ड्रॉप्स मैंने ली है यहाँ पे ऑलिव ऑयल की, और इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जब आप देखेंगे तो ये देखिए, लाइक आप देख सकते हैं कि व्हाइट फॉर्म में ये आने लगा है, तो कुछ इस तरीके का ही हमें चाहिए। और उसके बाद जो हमारा मेन चीज है वो है हमारा फूड कलर। फूड कलर जो मरियम परवेज ने बताया था, उन्होंने बोला था कि आप लिक्विड भी ले सकते हैं या फिर सॉलिड पाउडरी फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो लिक्विड वाला तो मुझे नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे पाउडरी फॉर्म में ले रही हूँ। और आपने बहुत ज्यादा नहीं लेना, ये ध्यान रखिएगा, और इसको यूज करते वक्त काफी आपने सावधानी रखनी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, तो हाथों में बहुत जल्दी लग जाता है। तो आपने बहुत नहीं लेना, जस्ट एक पिंच आपने एक पिंच लेना है, और इसको भी आपने पहले स्पून पे लेना है। उप्स, देखिए मुझसे ये हो गया ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसको काफी आपने बहुत ही अच्छे से करना सावधानी से। अब देख सकते हैं कि मेरे हाथों में भी अभी से ही जो कलर है वो आने लगा। और उसके बाद आपने ऐड करना है रोज वाटर। मैंने यहाँ पे रोज वाटर लिया, और ये जो है मैंने स्प्रे बॉटल में ले लिया, वरना ये डाबर का ही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है। मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफर बॉटल में कन्वर्ट किया हुआ है। अपने 4 to 5 ले लेने हैं, ताकि जो वो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और रोज वाटर आप जितना ऐड करेंगे उससे क्या होगा कि जो आपका जो कलर है वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, और उसमें स्मेल भी काफी अच्छी आएगी।
और एकदम से जो हूँ मैं बहुत ज्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उन्होंने भी यही चीज बोली थी कि आप बहुत ज्यादा ना बनाए, क्योंकि इट्स माई फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ कि उनका जो तरीका है वो वर्क करता है या कैसे वर्क करता है, क्योंकि काफी अच्छा लगा था जब उन्होंने यूज किया था, तो मैंने इसलिए ही मैंने सोचा क्यों ना इस चीज को मैं ट्राई करूं। और गाइस होता है ना कि कोई अगर हमें अच्छी चीज कहीं से मिल रही है तो उसको आगे फॉरवर्ड जरूर करना चाहिए, बोलते हैं ना जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने मैं सब्सक्राइबर्स के साथ इस चीज को शेयर करूं। तो जो ये ऑलमोस्ट है ये बन चुका है हमारा, बट हम इसको अभी यूज नहीं करेंगे, एटलीस्ट हमको इसको हाफ एन आवर के लिए इसको रख देना है, और उसके बाद जब ये हल्का सा सेट हो जाएगा उसके बाद मैं इसको एक बॉटल में ट्रांसफर कर लूंगी, उसके बाद इसको यूज करूंगी। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी टाइम के बाद और इसको ट्रांसफर करके दिखाती हूँ, उसके बाद आपको यूज करके दिखाती हूँ। तो गाइस जो हमारा टिंट है वो रेडी हो चुका है और इस बॉटल में मैंने उसे ट्रांसफर कर लिया, और ये जो बॉटल है वो ड्रॉपर वाली है ताकि हमें टिंट यूज करने में काफी हेल्पफुल हो। और अब मैं इस टिंट को आपको यूज करके दिखाती हूँ अपने चीक्स पे एंड देन अपने लिप पे। मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ और हाथों पे यूज करने में काफी अच्छा लगा है मुझे। मैं आपको एक बार यूज करके दिखाती हूँ कि इसका कलर कितना अच्छा आया है, और इसको अगर आप डैब 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 करके लाएंगे तो काफी अच्छा इफेक्ट आएगा, आप देख सकते हैं। तो सेम अब मैं आपको अपने चीक्स पे करके दिखाती हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आप अपने चीक्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले प्राइमर अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने प्राइमर अप्लाई किया हुआ है। हाँ, प्राइमर एंड कॉम्पैक्ट ही मैंने सिर्फ मेकअप के लिए लिया हुआ है, उसके अलावा मैंने कोई बीबी सीसी क्रीम नहीं अप्लाई की हुई है। तो चलिए इसका रिजल्ट अब देखते हैं। थोड़ा सा आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ले ली है, तो इस क्वांटिटी को आपने ध्यान रखना है कि लेते वक्त क्वांटिटी आपने काफी अच्छे से लेनी, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, वो फिर अलग से जो उसका इफेक्ट है वो दिखेगा, लाइक शायद मेरी इस वाली चीक पे वही चीज। And here's the go. आप देख सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा शायद, ऐसा मुझे फील हो रहा है मिरर में, बट कैमरे में कैसा लग रहा है वो आपको ज्यादा क्लियर लग रहा होगा। बट गाइज हल्का सा लग रहा है मुझे कि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अदरवाइज देखने में काफी कूल लग रहा है। मतलब ये नहीं लग रहा है कि कुछ मतलब बहुत ही ऐसा लगा लिया कि डार्क लग रहा है या बहुत लाइट, बहुत ही नेचुरल सा ग्लो लग रहा है। और इस वाले गाल पे, हाँ आप इस वाले चीक्स पे देखिए, इस पे काफी नेचुरल लुक लग रहा है, इस पे थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा बट इस वाले पे काफी नेचुरल लुक लग रहा है। तो चलिए अब, और इस मतलब टिंट की अच्छी बात ये है क्योंकि उन्होंने भी, मैंने देखा था मिस परवेज ने भी अपने चीक्स के साथ साथ अपने लिप्स पे भी बोला था कि आप इसको यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको, और लाइक आप देख सकते हैं इस टाइम पे मेरे लिप्स जो है बिल्कुल न्यूड हैं, कोई भी लिपस्टिक या लिप बाम नहीं अप्लाई किया हुआ है, थोड़े से डार्क हो चुके हैं क्योंकि पहले जो था लिपस्टिक नहीं यूज करती थी, बट आफ्टर मैरिज लिपस्टिक यूज करने की वजह से। तो चलो यूज करके दिखाते हैं। देख सकते हैं ना कितना गाइस, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप घर में हो और लिपस्टिक यूज करना नहीं पसंद करती है मेरी तरह, तो आप इस टिंट को यूज कर सकती है, ये आपको नेचुरल लुक भी देगा और आपके लिप्स भी काफी अच्छे बनाएगा। तो गाइस इस टिंट को मैं अपनी तरफ से दूंगी 100%, मुझे काफी अच्छा लगा। और वंस अगेन मैं जो हूँ थैंक्स करना चाहूंगी मिस मरियम परवेज जी को, कि उन्होंने इतना अच्छा जो इन्वेंशन हमें करके दिया कि टेंट आप घर में बना सकते हो वो भी इतने कम रुपए में। तो दैट्स ऑल गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।